तो फ्रेंड्स बात करने वाले हैं DSSSB 2014 के पेपर के बारे में। 2019 का पेपर हमने अभी अभी कवर कर लिया था, तो उसके बाद हमारा 2014 का पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है आप यहाँ पर देख सकते हैं। राग मालकोंस के मध्य गंधार से यदि मूर्छना की जाती है तो डैश राग मिलता है, मधुकोंस, चंद्रकोंस, दुर्गा या फिर भूपाली, तो कौन सा राग मिलता है? तो गाइस आपका जो दुर्गा राग है, दुर्गा राग मिलता है राग मालकोंस के मध्य गंधार से मूर्छना की जाती है उसके बाद में। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। डैश ने ख्याल गायकी का आविष्कार किया था, वेरी इंपॉर्टेंट, ख्याल गायकी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? मानसिंह तोमर, हुसैन मोहम्मद सरकी, गुलाम नबी या फिर तानसेन। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकती हैं आपका ख्याल गायकी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो आपका किया गया था मोहम्मद सरकी के द्वारा। देखिए आप सभी के सभी विद्यार्थी अपना कमेंट जरूर करते चलें साथ ही साथ, और आपको अपना स्कोर कार्ड लास्ट में जरूर दिखाना है कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मानसिंह तोमर जी हैं ये द्रौपद के आविष्कार हैं, इन्होंने द्रौपद का आविष्कार किया था। मोहम्मद हुसैन सर की ये आपका विलंबित ख्याल या कह सकते हैं बड़ा ख्याल का आविष्कार मोहम्मद हुसैन सरकी ने किया था। छोटा ख्याल का आविष्कार आपका अमीर खुसरो ने किया था, किसने किया था? अमीर खुसरो ने। तो आप यहां पर देख सकते हैं तानसेन आपका ध्रुपद गायकी के लिए फेमस है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है हमारा, थाट मेल की आधुनिक हिंदुस्तानी थाट पद्धति को डैश ने विकसित किया था। तो जो 10 थाट आधुनिक हिंदुस्तानी पद्धति थी इसको किसने विकसित किया था? विष्णु नारायण भातखंडे ने, विष्णु दिगंबर पलुस्कर, बालकृष्ण बुआ इचलकरंजीकर या प्रोफेसर V.R. देवधर। तो किसके द्वारा आपका 10 10 थाट आधुनिक पद्धति विकसित की गई थी? तो गाइस विष्णु नारायण भातखंडे के द्वारा। किसके द्वारा? विष्णु नारायण भातखंडे जी के द्वारा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के द्वारा। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, पंडित श्रीनिवास के शुद्ध गंधार की फ्रिक्वेंसी क्या थी? तो गाइस आपका श्रीनिवास के शुद्ध गंधार की फ्रिक्वेंसी क्या थी आपको बताना है, क्या थी? देखिए 440 हर्ज, 288 हर्ज, 320 हर्ज या फिर 270 हर्ज। तो आपको पता होना चाहिए सा रे ग, सा की 240, रे की 270, ग की आपकी 200, 300 आपकी रहने वाली है, कितनी रहने वाली है? 300। यहाँ पर क्या पूछा गया आपसे? शुद्ध गंधार। देखिए आपको यहाँ पर देखना है आपका जो पाश्चात्य संगीत के अनुसार है, सारे का 270, 240, 270, 300। अब यहाँ पर आपको 300 ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपको यहाँ 288 के साथ आप जा सकते हैं। 288 के साथ क्यों? क्योंकि आपका शुद्ध की जगह पर यहाँ पर कोमल हो सकता है, आई थिंक, मेरा मानना है। लेकिन अगर शुद्ध गंधार है तो 300 और कोमल गंधार है तो 288। ठीक है गाइस आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। गणित प्रकार से हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध मध्यम के डैश थाट माने गए हैं, तो आपका गणित प्रकार से हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध मध्यम के कितने थाट रहने वाले हैं? 16, 32, 72 या फिर 10। तो आपको बताना है हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में शुद्ध मध्यम के, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में फंसाते हैं। आपको यहाँ पर ध्यानपूर्वक पढ़ना है शुद्ध मध्यम के कितने हैं, तो आपके शुद्ध मध्यम के रहने वाले हैं आपका 16, और तीव्र मध्यम के कितने रहने वाले हैं आपको पता होना चाहिए, तीव्र मध्यम के भी 16। तो कुल भातखंडे जी ने गणितीय पद्धति से कितने माने हैं? 32। व्यंकट मुखी ने माने आपका 72, व्यंकट मुखी ने कितने माना है आपका? 72। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। पंडित पलुस्कर ने इस साल गंधर्व महाविद्यालय स्थापित किया था, तो गाइस कौन से साल में गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना की गई थी पलुस्कर जी के द्वारा आपको बताना है, कब की गई थी? तो गाइस यह की गई थी आपकी 1901 में, 91 में। तो आपको देखिए आगे इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे जो कि आपका एग्जाम आने वाला है। आपको अच्छे से जो जो चीजें आपको मैं बता रहा हूँ अच्छे से पढ़ते हुए चलना है। नाद की वह विशेषता जो एक वाद्य की तान श्रेणी दूसरे से अलग करती है वह डैश कहलाता है। तो नाद्य की वह विशेषता जो एक वाद्य की तान श्रेणी दूसरे से अलग करती है वह कहलाती है आपका सुर, ध्वनि रूप, कोटा, बड़ापन या फिर स्वर संगति।
क्या कहलाती है गाइस, आपको पता होना चाहिए। तो आपका नादिक वह विशेषता जो एक वाद्य की तान श्रेणी दूसरे से अलग करती है। तो आपका ध्वनि रूप क्या होता है? ध्वनि रूप एक वाद्य को दूसरे वाद्य से आपका जाति गुण या टिम्बर भी आप कह सकते हैं। अगर आपका ध्वनि रूप ऑप्शन में ना हो तो ये भी आ सकते हैं, क्योंकि ध्वनि के द्वारा ही हम किसी वाद्य को पहचान सकते हैं, किसी व्यक्ति की आवाज को पहचान सकते हैं। जो डिफरेंट डिफरेंट आवाज आती है वो ध्वनि के कारण ही आती है। आगे बात करते हैं, प्राचीन श्रुति पद्धति में स्वरों को उनके निजी श्रुति के डैश स्थान पर रखा जाता है, पहले स्थान पर, दूसरे पर, तीसरे पर या फिर आखिरी पर। तो देखिए, प्राचीन प्राचीन श्रुति पद्धति में स्वरों को उसके किस स्थान पर रखा जाता है? तो देखिए, प्राचीन आपका श्रुति स्थिति में आखिरी स्वर पर रखा जाता है, और आपका मध्य में भी आखिरी पर रखा जाता है, और अगर बात की जाए आपका आधुनिक में, अगर आधुनिक की बात की जाए तो आधुनिक में आपका प्रथम श्रुति पर रखा जाता है। कौन सी श्रुति पर? प्रथम श्रुति पर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। पश्चिमी संगीत में डैश या सामान्य उपयोग होने वाली स्वरलिपि पद्धति है। तो पश्चिमी संगीत में आपकी डैश सामान्यतः उपयोग होने वाली स्वरलिपि पद्धति है। संगीत सारणी स्वरलिपि, स्वल्पा स्वरलिपि, न्यूमस या फिर चीव। देखिए, पश्चिमी संगीत में आपकी सर्वाधिक जो प्रयोग में लाई जाती है वह लाई जाती है आपकी संगीत सारणी स्वरलिपि। अब देखिए, यहाँ से आपका स्टाफ नोटेशन पद्धति भी होता है, संगीत सारणी स्वरलिपि भी आता है। सबसे पहले स्वल्पा आई थी, न्यूमस फिर चीव आई थी, इस प्रकार से यहाँ पर आपकी रहने वाली है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने वल्लभ दास से निम्न वाद्य सीखा। तो पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने वल्लभ दास से कौन सा वाद्य सीखा था? सरोद, सितार, सारंगी या फिर वीणा। तो गाइस, इसका राइट आंसर आपका रहने वाला है, क्या सीखा था? सितार। वल्लभ दास जी से भातखंडे जी ने सितार सीखा था। क्या सीखा था? सितार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, आपको अपना स्कोर जरूर साथ ही साथ बताते हुए चलना है, और आपको जो क्वेश्चन आपसे रॉन्ग हो रहा है उसमें आप देखिए कहाँ गलती हो रही है, कि आपने उसको टॉपिक को अभी तक पढ़ा नहीं है, तो आप 2 से 3 दिन में पढ़ लीजिए। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। और मेल कलानिधि के लेखक हैं अल्लीनाथ, रामामात, सोमनाथ या फिर भरत जी। तो स्वरमेल कलानिधि किसके द्वारा लिखा गया है? देखिए गाइस, रामामात्य के द्वारा आपका स्वरमेल कलानिधि लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपका यहाँ पर रामामात्य जी के द्वारा आपका स्वरमेल कलानिधि लिखा गया है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, उस्ताद जाकिर हुसैन डैश घराने से संबंधित थे। तो आपके जाकिर हुसैन जी किस घराने से संबंधित थे? दिल्ली, पूरब, पंजाबी, भेड़ी बाजार। तो कौन से घराने से थे आपके जाकिर हुसैन जी, आपको बताना है। जाकिर हुसैन आपके किस घराने से थे? तो आपके जाकिर हुसैन जी थे पंजाबी घराने से। जाकिर हुसैन किस घराने से थे? पंजाब घराने से। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हारमोनियम डैश वाद्य है, तो हारमोनियम कौन सा वाद्य है? हारमोनियम आपका तत्वाद्य, सुषिरवाद्य, वितत्तवाद्य या फिर घनवाद्य। हारमोनियम आपका कौन सा वाद्य रहने वाला है? तत्, सुषिर, वितत्त या फिर घनवाद्य। देखिए, हारमोनियम किसके द्वारा बजाया जाता है आप सभी को पता ही होगा, हवा के द्वारा। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है सुषिरवाद्य। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है हमारा, राग बसंत का संवादी सुर क्या है? जो हमारा राग बसंत है उसका संवादी सुर क्या रहने वाला है? सड़ज, निषाद, पंचम, शुद्ध, मध्यम। तो क्या रहने वाला है? सड़ज, निषाद, पंचम, शुद्ध, मध्यम से आपका राग बसंत का वादी सुर क्या रहने वाला है? देखिए, इसका राइट आंसर रहने वाला है आपका पंचम, पंचम वादी सुर है। अब देखिए, यहां से आपको देख लेना है बाद जो आपका राग बसंत है उसके बारे में। नोहर बाणी डैश कराना है। तो गाइस, नोहर बाणी किसके लिए फेमस है? ख्याल के लिए, कथक के लिए, ध्रुपद के लिए या फिर धमार के लिए। तो आपकी जो नोहर बाणी है यह आपकी रहने वाली है ध्रुपद के लिए। किसके लिए रहने वाली है? ध्रुपद के लिए। यहाँ पर दी इस क्वेश्चन का थोड़ा सा मुझे ऑप्शन में दिक्कत लग रही है, मैं भी आपको दिखाता हूँ, क्योंकि आपका जो
द्रुपद है वह शुद्धा के लिए आता है, तो यहाँ से थोड़ा सा दिक्कत लग रही है मुझे। आगे बात करते हैं पंचम सवारी ताल की डैश मात्रा होती है, तो पंचम सवारी ताल में कितनी मात्रा होती है, 15 मात्रा होती है। मैंने यह क्वेश्चन आपको कई एक बार डिस्कस कर चुका हूँ, आपकी जो पंचम सवारी ताल है यह 15 मात्रा की होती है। देखिए नाम से ही पता चल रहा है पंचम 15, तो आप यहाँ से ऐसे प्रकार से देख सकते हैं। आगे बात करते हैं उस्ताद फैयाज खां का उपनाम है, उस्ताद फैयाज खां, तो उस्ताद फैयाज खां का क्या नाम है, उस्ताद फैयाज खां को आपका प्रेम पिया कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रेम पिया, आपका क्या बोला जाता है, प्रेम पिया। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, ग्वालियर घराने के संस्थापक हैं, ग्वालियर घराने के संस्थापक कौन है, नत्थन, पीरबख्श, अब्दुल करीम खान, हंसू खां या फिर कारिद खां, कारिदबख्श। आपका ग्वालियर घराने के संस्थापक नत्थन फीरबख्श रहने वाले हैं, कौन रहने वाले हैं, नत्थन फीरबख्श। गाइस ग्वालियर घराना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से एक दो क्वेश्चन एग्जाम में अवश्य पूछा ही पूछा जाता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, कथकली यह एक नृत्य है, तो कथकली आपका कहाँ का नृत्य रहने वाला है, कर्नाटक, केरल, चेन्नई या फिर महाराष्ट्र। तो कथकली आपका कहाँ का रहने वाला है, कथकली रहने वाला है आपका केरल का, कहाँ का रहने वाला है आपका, केरल का रहने वाला है कथकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ीसी नृत्य में ताल वाद्य होता है, तो उड़ीसी नृत्य में ताल वाद्य कौन सा होता है, कौन सा ताल आपका बजाया जाता है। तो देखिए उड़ीसी जो नृत्य होता है इसमें आपका तबला बजाया जाता है, सर्वाधिक तबले की संगति यहाँ पर रहती है उड़ीसी में। उड़ीसी आपका कहाँ का नृत्य रहने वाला है, या उड़ीसा का है आपका उड़ीसी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है कुछ इस प्रकार से, सारंगदेव ने लिखी है, तो सारंगदेव जी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, गीत गोविंद, संगीत रत्नाकर, चतुर्दंडी प्रकाश का या फिर दत्तिलम। तो देखिए यहाँ पर सारंगदेव जी के द्वारा फेमस बुक है संगीत रत्नाकर लिखा गया है, कौन सा लिखा गया है, संगीत रत्नाकर। आपको कमेंट करके बताना है संगीत रत्नाकर का अन्य क्या नाम रहने वाला है, तो संगीत रत्नाकर को अन्य किस नाम से जाना जाता है आपको कमेंट करके बताना है। कर्नाटक संगीत में डैश मेल थाट शुद्ध मेल होता है, कर्नाटक संगीत में कितने शुद्ध मेल होते हैं, या फिर कौन सा शुद्ध मेल होता है, शंकराभरण, खरारिया, हनुमंतोड़ी या फिर कनकांगी। तो कर्नाटक संगीत में कौन सा आपका शुद्ध मेल होता है, मेल को ही थाट कहती हैं, थाट कहती हैं, थाट कहती हैं, एक ही नाम है, संस्थान भी बोला जाता है, इसके लिए भी बोला जाता है, तो कुछ भी आपको आ सकता है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कर्नाटक संगीत को आपका जो कनकांगी है यह आपका शुद्ध थाट रहता है, यह हिंदुस्तानी संगीत के बात की जाए हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी संगीत में इसका नाम आपका आशावरी के समान है, किसके समान है, आशावरी के समान। ठीक है आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, डैश ने भाई म्यूजिक माई लाइफ किताब लिखी है, तो माई म्यूजिक माई लाइफ सॉरी माई म्यूजिक माई लाइफ किताब किसके द्वारा लिखी गई है, पंडित रविशंकर के द्वारा, उस्ताद अली अकबर, पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर, पंडित तारानाथ। तो आपका जो पुस्तक है माई म्यूजिक माई लाइफ किसके द्वारा लिखा गया है, तो गाइस आपका यह लिखा गया है पंडित रविशंकर जी के द्वारा, किसके द्वारा, पंडित रविशंकर जी के द्वारा माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक लिखा गया, वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। डैश यह प्राचीन अनुबद्ध गान का भाग है, यह प्राचीन अनुबद्ध गान का भाग है, मंद्रालाप, रूप का लाभ, नौमतम का लाभ या संचारी लाभ। तो आधुनिक अनुबद्ध गान का देखिए एक तो होता है आपका निबद्ध गान, एक होता है आपका अनुबद्ध गान, इनमें से आपको देखना है कि अनुबद्ध गान का भाग कौन सा रहने वाला है। देखिए आपका जो रूप का लाभ है, रूप कलाप आपका अनुबद्ध गान का रहने वाला है। देखिए निबद्ध गान आपका ताल में बना हुआ होता है, अनुबद्ध गान आपका ताल रहित तो होता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, प्राचीन प्रबंध का तीसरा भाग था, जो प्रबंध था उसका तीसरा भाग क्या था, ध्रुव, मेलापक, उद्गा या फिर आबू। देखिए आपको बताना है प्राचीन प्रबंध का तीसरा भाग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पर देख लेना है ध्रुव क्या था, ध्रुव क्या था, उद्ग्रह, मेलापक, ध्रुव, आबुक, इस प्रकार से रहने वाले आपका उद्ग्रह, मेलापक क्या रहने वाला है, उद्ग्रह, मेलापक, ध्रुव और आबुक, उद्ग्रह, मेलापक,
आवोग। इस प्रकार से आपका क्रम रहने वाला है जो आपकी प्रबंध की चार भेद थे उनके बारे में। देखिए प्रबंध के बारे में सारंगदेव जी ने 75 प्रबंध बताए हैं जो कि इम्पोर्टेंट थे, उन्होंने इनको तीन भागों में बांटा था। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। निम्न में से कौन सा कलाकार सितार नहीं बजाता था? तो निम्न में से कौन सा कलाकार सितार नहीं बजाता था तो आपको बताना है, विलायत खां, सुल्तान खां, निखिल बनर्जी या फिर रविशंकर। देखिए आपको देखना है, विलायत खां आपका सितार वादक थे, निखिल बनर्जी थे, रविशंकर तो फेमस सितार गाय वादक ही। इसमें से आपका राइट आंसर रहने वाला है सुल्तान खान। तो जो सुल्तान खान जी थे ये आपका सितार नहीं बजाते थे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। पंडित किशन महाराज देश घराने से संबंधित थे, तो आपकी जो पंडित किशन महाराज थे किस घराने से थे? लखनऊ से, दिल्ली से, पूरब से या फिर बनारस से थे? तो आपके जो किशन महाराज थे ये आपके बनारस घराने के थे। कौन से घराने के थे? तो बनारस घराने से किशन महाराज तबला गायक थे। आगे बात करते हैं, पंडित किशोरी अमोडकर को 2002 में डैश पुरस्कार दिया गया था, तो किशोरी अमोडकर को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी। तो आपका कौन सा पुरस्कार दिया गया था आपको बताना है। तो गाइस जो आपके किशोरी अम्बेडकर जी थे इनको 2002 में पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है गोटू बादम को यह भी कहते हैं, तो गाइस जो गोटू बादम है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है जो कि आपको बताना होगा, चित्रा वीणा, अलाबू वीणा, वितंद्री वीणा या फिर कच्छ वीणा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितनी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं सभी के सभी शेयर जरूर कर दें और गाइस अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दें जिससे सभी विद्यार्थियों के लिए यहाँ से हेल्प मिल सके। क्योंकि गाइस आपके अथक प्यार हमारे अथक प्रयासों से इस प्रकार के आपके लिए कंटेंट लाया जा रहा है जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर रहने वाला है। तो आपका कर्तव्य बनता है कि आपको इसे शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना है और जितनी विद्यार्थी नए जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो इसका क्या रहने वाला है आपका राइट आंसर? आपका चित्रा वीणा। चित्रा वीणा आपका गोठू वाद्यम नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करते हैं, पंकी होरी को डैश ताल में गाया जाता है, तो पक्की होरी होती है इसको किस ताल में गाया जाता है? तो ताल दीपचंदी, दादरा या फिर धमार। तो आपका पक्की होरी को धमार ताल में गाया जाता है। पक्की होरी, कच्ची होरी, सब तरह की होरी धमार ताल में ही गाई जाती है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट हमारा, टप्पा गायकी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? गुलाम गुलाम अली, गुलाम नबी सॉरी, अमीर खुसरो, अब्दुल करीम खान। देखिए आपका जो टप्पा गायकी है किसके द्वारा इसका आविष्कार किया गया था तो आपको बताना है, गुलाम नबी सॉरी के द्वारा। किसके द्वारा? गुलाम नबी सॉरी के द्वारा। अमीर खुसरो के द्वारा किसका किया गया था? तो आपका ख्याल का, कौन सा ख्याल? द्रुत ख्याल, इसे ही छोटा ख्याल भी बोलते हैं। अब्दुल करीम खान कौन थे? तो गाइस इन्होंने किराना घराना का नींव डाला था। किसका डाला था? किराना घराना का, इम्पोर्टेंट। आगे बात करते हैं, सितार एकल वादन में बजाई गई विलंबी बंदी से, सितार एकल वादन में बजाई गई विलंबी बंदी से, रजा खानी, मसीद खानी, प्रबंध या फिर तराना। तो आपका जो सितार है या एकल वादन में बजाई जाने वाली है आपकी मसीद खानी गत। ठीक है गाइस, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। उस्ताद उल्लाछिन खान से डैश घराना स्थापित किया था, तो आपका उस्ताद अलाउद्दीन खान, यहाँ पर अलाउद्दीन खान होगा गाइस, क्या होगा? अलाउद्दीन अलाउद्दीन खान ने कौन से घराने की नींव रखी थी? मेहर, इंदौर, दिल्ली या फिर स्वयं चौपा चौरा चौरासी। तो आपको बताना है, मेहर, इंदौर, दिल्ली, शाम चौरासी। तो आपका अलाउद्दीन खान ने किस घराने की नींव रखी थी? तो गाइस जो आपका मेहर घराना है उसकी नींव रखी गई थी अलाउद्दीन के द्वारा। आगे बात करते हैं, श्रेष्ठ कर्नाटकी वायलिन संगीतज्ञ जिन्होंने 7 तारों की वायलिन की रचना की और उसका विकास किया वह आपका रहने वाला है, श्रेष्ठ कर्नाटकी वायलिन संगीतज्ञ जिन्होंने 7 तारों की वायलिन की रचना की उसका विकास किया था। देखिए लालगुड़ी जयरामन ने, बाल मुरली कृष्ण ने, कुन्नकुंडी वैद्यनाथन ने या फिर पीटीलू
चौड़ैयान है। तो आपको बताना है इसका क्या राइट आंसर रहने वाला है। तो देखिए गाइस, जो पीटीलू चौड़ैयान है, इन्होंने आपका वायलिन संगीता की में 7 तारों के वायलिन की रचना की थी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। पंडित वेंकटमुखी पद्धति के अनुसार कर्नाटकी संगीत में डैश मेल कर्थ राग है। पंडित वेंकटमुखी पद्धति के अनुसार कर्नाटक संगीत में डैश आपके मेल रहने वाले हैं, कितने मेल रहने वाले हैं तो आपको बताना है 32, 10, 72 या फिर 16, कितने रहने वाले हैं गाइस? 72। मैंने अभी आपको बताया था कर्नाटक संगीत में वेंकटमुखी ने 72 मेलों की रचना की थी, उनमें से आपका 19 मेल या फिर थाट आपके अभी भी वर्तमान में वहां पर प्रयोग में लाए जाती हैं। आगे बात करते हैं डैश को समूह से प्रसारित कर सकते हैं। डैश को समूह से प्रसारित करते हैं आलाप, खटका, मीण या प्रथान। तो जो समूह में किसको प्रसारित किया जाता है आपको बताना है। तो गाइस आपका जो तान होता है इसको समूह में प्रसारित किया जा सकता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। प्राचीन वादी स्वर को कहते हैं, वादी स्वर को प्राचीन में क्या बोला जाता था? गृह स्वर, अंश स्वर, न्यास स्वर या संन्यास। तो देखिए आपका जो वादी स्वर होता था प्राचीन में, इसको अंश स्वर बोला जाता था, इसको प्राण स्वर भी बोला जाता था, इसको मूल स्वर भी बोला जाता था। ठीक है, तो ये भी आपका आ सकता है, मूल स्वर, प्राण स्वर, अंश स्वर, वादी स्वर, आपके ये सब रहने वाले। देखिए गृह स्वर क्या होता था, गृह स्वर आपका किसी भी गीत या बंदिश का प्रथम स्वर होता था, जिससे आपका राग गायन स्टार्ट किया जाता था, जाति गायन आपका स्टार्ट किया जाता था। तो आपका न्यास का स्वर जिस पर रुका जाता था, संन्यास जिसके मध्य भाग की समाप्ति होती थी। तो इस प्रकार से आपका यह रहने वाला है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, मेहदी हसन प्रसिद्ध थे, तो मेहदी हसन किसके लिए प्रसिद्ध थे? टप्पा, ठुमरी, गजल या फिर सूफी के लिए। तो आपके जो मेहदी हसन थे किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो मेहदी हसन आपके गजल गायकी के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस थे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, राग तरंगणी लेखक कौन है? राग तरंगणी के लेखक कौन है? भरत, लोचन, नारद या फिर अहोबल। तो राग तरंगणी के लेखक कौन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि राग तरंगणी के आपके लेखक हैं लोचल जी। लोचल जी के द्वारा आपका राग तरंगणी लिखा गया था। पलुष्कर स्वलिपि में 2 मात्रा दिखाने के लिए डैश के संगीत का उपनाम करते हैं। तो पलुष्कर स्वलिपि पद्धति में 2 मात्रा दिखाने के लिए क्या यूज करते हैं? क्रॉस, जीरो, इस प्रकार से या प्रिय। तो देखिए आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहने वाला है। पलुष्कर देखिए 2 पद्धति थी आपकी, भातखंडी और पलुष्कर। देखिए भातखंडे में आपका 1 मात्रा दिखाने के लिए आपका 1 स्वर, ये तो ये नहीं है आपका, देखिए नहीं याद होगा, 1 मात्रा दिखाने के लिए आपका सिर्फ 1 स्वर, यहाँ पर 1 मात्रा दिखाने के लिए नीचे लाइन, यहाँ पर 2 मात्रा दिखाने के लिए भातखंडे में इस प्रकार से लगा देती थी, यहाँ पर 2 मात्रा दिखाने के लिए क्या करते थे? तो यहाँ पर 2 मात्रा दिखाने के लिए कुछ इस प्रकार का चिन्ह यूज करते थे। ठीक है, इस प्रकार का यहाँ पर क्या रहने वाला है आपका? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आधी मात्रा के लिए 0 चिन्ह, 4 मात्रा के लिए ये आपका रहने वाला 4 मात्रा। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। डैश यह परमेल प्रवेशक राग है, तो परमेल प्रवेशक राग कौन सा है? मुल्तानी, भूपाली, कल्याण या फिर जोग। तो परमेल प्रवेशक राग बताना है आपको। परमेल प्रवेशक राग होते क्या है, बेसिकली मैं आपको बता दूं कि जो राग आपका एक थाट से दूसरे थाट में प्रवेश कराते हैं वही आपके परमेल प्रवेशक राग कहलाते हैं। तो आपका जो मुल्तानी है ये आपका परमेल प्रवेशक राग है, आपका जय जय बंती भी आ सकता है, जय जय बंती, इसे आपका इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जय जय बंती। तो ये आपका रहने वाला है परमेल प्रवेशक राग। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। डैश ने बांसुरी को शास्त्रीय संगीत में प्रस्तुत किया था, तो शास्त्रीय संगीत को शास्त्रीय संगीत में प्रस्तुत करने वाले कौन थे बांसुरी को? हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसाद और आपका सोनू मजूमदार। तो आपका जो बांसुरी था उसको शास्त्रीय संगीत में समाहित करने वाले थे आपके पन्नालाल घोष। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहने वाला है, कौन थे आपके पन्नालाल घोष? गौड़ सारंग का थाट है, गौड़ सारंग का थाट कौन सा रहने वाला है? गौड़ सारंग का थाट या मेल क्या रहने वाला है? काफी, बिलावल, कल्याण या फिर सारंग। तो क्या रहने वाला है गौड़ सारंग का थाट आपका? देखिए गाइस आपका कल्याण थाट आपका गौड़ सारंग का थाट है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर देख सकते हैं। प्राचीन प्रबंध में डैश भाग होते थे, तो प्राचीन प्रबंध में कितने भाग होते थे आपको बताना है। मैंने अभी आपको डिस्कस किया था
प्राचीन प्रबंध में चार भाग होते थे, उपग्रह, मेलापक, ध्रुव और आभू। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जिस लयकारी में दो स्वरों को दो मात्रा में गाया जाता है उसे कहते हैं, त्रिगुण, कुवति, आदि या दो तिहाई। जिस लयकारी में दो स्वरों को दो मात्रा में गाया जाता है उसे क्या बोला जाता है, आपको कमेंट करके बताना है। तो गाइस क्या बोला जाता है, दो तिहाई। त्रिगुण में आपके तीन स्वर बोले जाते हैं और आपका दो तिहाई या दुगुण में, दुगुण भी जा सकता है आपका, दुगुण में आपके दो स्वर बोले जाते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। आधुनिक श्रुति पद्धति के अनुसार शुद्ध मध्यम में डैश श्रुति होती है। आधुनिक श्रुति पद्धति के अनुसार शुद्ध मध्यम में डैश श्रुति होती है, दो, तीन, चार या फिर एक। तो आपको बताना है शुद्ध मध्यम में कितनी श्रुति होती है आधुनिक श्रुति पद्धति के अनुसार। देखिए आधुनिक श्रुति पद्धति या फिर प्राचीन श्रुति पद्धति आपकी दोनों सेम ही है, आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं लेनी है। लेकिन आपका जो देखना है, मैंने आपको एक श्लोक पहले से ही बताता रहा हूँ, चतुष चतुष चतुष्छ षड्ज मध्यम पंचमा, षड्ज मध्यम और पंचमा, द्वैध निषाद गांधारो, निषाद गांधारो, तिस्त्री ऋषभ देवतो। तो यहाँ पर ऋषभ देवत की तीन तीन, निषाद गांधार की दो दो और आपकी समाप की चार चार। तो ये आपकी श्रुति व्यवस्था है आपकी शुद्ध मध्यम और प्राचीन मध्यम में। तो आपको यहाँ पर देखना है मध्यम की कितना रहने वाला है, चार श्रुति। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, चार। इस प्रकार से आपको जो छोटी छोटी ट्रिकें होती हैं वो पता होना चाहिए, जिससे आप एग्जाम में भूलते नहीं हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस श्लोक है, आपको हर एक विद्यार्थी को इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। और गाइस मैं आपको बता दूँ, जो विद्यार्थी हमसे नए जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर जरूर कर दें अपने सभी व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप पर। गाइस आप जितना अधिक लाइक शेयर करेंगे उतना ही मोटिवेशन मिलेगा। तो मैंने आपके लिए प्लानिंग कर रखा है कि दो से तीन इसी प्रकार के सेशन और लेकर के आऊँ आपके टिल दी एग्जाम तक। जिस बंदिश में गीत, तबला, बोल और सरगम है वह क्या है, गीत, तबला, बोल और सरगम है वो आपका क्या क्या रहने वाला है, तराना, चतरंग, त्रवट या फिर कजरी। तो देखिए गाइस, जो आपका गीत, तबला, तबला के बोल या फिर सरगम है वो आपका क्या कहलाएगा, कहलाएगा आपका त्रिवट। अगर आपका देखिए गीत, इसकी जगह पर आपका ख्याल बोल भी आ सकता है, ख्याल के बोल प्लस आपका तबला, इसकी जगह पर पखावजी भी आ सकता है, नेक्स्ट आपका सरगम, ये आपका तीन बोल हैं, तो ये आपका रहने वाला त्रिवट। अगर इसी में तराना भी ऐड कर दिया जाता है तो फिर आपका बन जाता है चतुरंग। क्या बन जाता है, चतुरंग। तो ये चीज, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सरगम के साथ तराना, तराना क्या कहलाता है, तो सरगम के साथ तराना आपका कहलाता है चतरंग। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। आदान वह राग है, तो गाइस जो अड़ाना राग है, अड़ाना, अड़ाना होगा यहां पर, तो अड़ाना किस प्रकार का राग है आपको बताना है। तो गाइस आपका उत्तरांग प्रधान राग है अड़ाना। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ताल तीब्रा डैश की मात्रा होती है, ताल तीब्रा में कितनी मात्रा होती है, तो आपका जो तीब्रा ताल है उसमें कितनी मात्रा रहती है आपको बताना है, कितनी मात्रा रहती है, सात। इसके साथ आपका रूपक भी आता है, रूपक में भी आपकी सात ही मात्राएं रहती हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। स्वरों को विविध पद्धति से गाने को कहते हैं, देखिए स्वरों को विभिन्न विविध पद्धति से गाने को क्या बोला जाता है, आलाप, वर्ण, तान या फिर निबद्ध गान। देखिए स्वरों को विभिन्न पद्धति से आपका वर्ण कहलाता है, वर्ण के द्वारा ही आपका विभिन्न पद्धतियों से गाया जाता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। डैश को अर्धदर्शक स्वर कहते हैं, तो अब आपका अर्धदर्शक स्वर कौन सा रहने वाला है। देखिए यहाँ से मैं आपको बता दूँ, स रे ग म प ध ओनी। देखिए यहाँ से सारे ग पदनी, आपका यहाँ से उत्तरांग, पूर्वांग और आपका उत्तरांग, जो आपका बीच में मध्यम बचता है आपका यह अर्धदर्शक स्वर कहलाता है। क्या कहलाता है, अर्धदर्शक स्वर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आपके में पूछा ही पूछा जाता है, तो आपका क्या रहने वाला है, मध्यम। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। प्राचीन निबद्ध गान जिसमें ताल, स्वर और गीत होता है, प्राचीन निबद्ध गान जिसमें ताल, स्वर और गीत होता है वो क्या कहलाता है। देखिए
ताल स्वर और गीत होता है वो आपका प्रबंध गीत ख्याल फिर आक्षिप्त का, तो आपका क्या कहलाता है, तो आपको यहाँ पर देख लेना है आपका जो ताल स्वर और गीत से बंधी हुई रचना आपकी क्या कहलाती है, आक्षिप्त का। ठीक है, ताल स्वर और गीत से बंधी हुई रचना आपकी आक्षिप्त कहलाती है। ताल स्वर और लय से, देखिए ताल स्वर और लय, तार स्वर और लय से बनी हुई रचना आपकी क्या कहलाती है, प्रबंध। तो आपको यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना, तार स्वर और गीत से बनी हुई रचना आक्षिप्त का। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। रागांग आधारित राग वर्गीकरण पद्धति में डैश रागांग बताए गए हैं, तो रागांग राग पद्धति में कितने डैश बताए गए हैं, सॉरी कितने रागांग बताए गए हैं, तो आपको यहाँ पर बताना है राग वर्गीकरण में 40, 30, 32 या फिर 16। तो गाइस आपको यहाँ पर देखना है कितने बताए गए हैं, 30 राग, जो 30 रागांग बताए गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहने वाला है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से रहने वाला है, देखिए सभी के सभी विद्यार्थी अपना स्कोर जरूर साझा करें और जिससे आपको पता चल सके। गैस हम अभी 2014 का DSSSB का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गाइस अभी आपका DSSSB का एग्जाम आने वाला है, EMRS का आने वाला है और आपका BPSC वाला, इन एग्जामों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए PYQ का मैं सेशन लेकर के आया हूँ, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। प्राचीन श्रुति पद्धति में डैश ग्राम थे, देखिए प्राचीन श्रुति पद्धति में कितने ग्राम आपके थे, आपको बताना है कितने ग्राम थे, 3। 3 ग्राम कौन कौन से थे आपका, सहज ग्राम, मध्यम ग्राम और आपका गांधार ग्राम, इसको निषाद ग्राम भी बोला जाता था। तो यहाँ से आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। डैश ने कुछ निषाद वाले राग गाने के लिए मंद पंचम तानपुरी के तार का निषाद से समस्वरण करने का रिवाज प्रारंभ किया, पंडित भीमसेन जोशी, उस्ताद फैयाज खान, उस्ताद आमिर खान, उस्ताद अब्दुल करीम खान, आपका रहने वाला है इसमें आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, आपको कमेंट करके बताना है। तो गाइस आपका उस्ताद अब्दुल करीम खान इज द राइट आंसर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। प्राचीन तानपुरे को कहते थे, तो प्राचीन तानपुरे को क्या कहते थे, मोहन वीणा, रुद्र वीणा, अलाप वीणा या फिर विचित्र वीणा। तो प्राचीन तानपुरे को क्या बोला जाता था, आपको बताना है। तो देखिए गाइस यहाँ पर जो आलापू वीणा था यह प्राचीन तानपुरे के समान था, इसी को आपका आलापू ही तानपुरे को बोला जाता था प्राचीन काल में। नेक्स्ट बात करते हैं, स्वर आरंभित यह तानपुरे के मंद सड़ज तार में सुना जाता है, तो आपका आरंभिक यह तानपुरे के मंद सड़ज तार में सुना जाता है, मध्यम, ऋषभ, गंधार या फिर तार सड़ज, तो आपका क्या सुना जाता है। देखिए आपका जो गंधार है या आपका तानपुरे के मंद्र षड्ज तार में सुना जाता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। डैश राग का विकास भरत ने किया, तो भरत जी ने कौन से राग का विकास किया था, शांत, अद्भुत, हाशिया, प्रसंगार, इनमें से आपको बताना है किस राग का विकास भरत जी ने किया था। देखिए जो शांत रस था इसका आविष्कार भरत जी के द्वारा किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपको यहां से अंदाजा लग रहा होगा ये DSSSB का एग्जाम का लेवल इस प्रकार का रहने वाला है, तो अगर आपके जितने भी एग्जाम हैं उनका लेवल इनसे इससे डाउन ही रहेगा, इससे ऊपर तो रहने वाला है नहीं। तो आपको इसीलिए मैं फर्स्ट में सबसे फर्स्ट में आपका DSSSB का एग्जाम लेकर गया हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा जानकारी मिल सके कि कितना टफ से टफ एग्जाम पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। त्रिगुण लय में द्रुपद रचना का हर चरण डैश मात्राएं लेता है, त्रिगुण लय में द्रुपद रचना का हर चरण कितनी मात्रा लेता है, तो वैसे आपको बताना होना चाहिए 4, 2, 3 या फिर 6। तो त्रिगुण लय में द्रुपद रचना का हर चरण कितनी मात्रा लेता है, देखिए आपका जो द्रुपद है यह हर चरण में आपकी 4 मात्राएं लेता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। पतमंजरी राग यह रागों का सम्मिलित है, तो जो पतमंजरी राग है इसमें कितने राग होती हैं आपको बताना है। तो गाइस जो पतमंजरी राग है इसमें आपके
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने राग होते हैं आपके? तो पतंजलि में आपके पांच राग होते हैं। कितने राग होते हैं? पांच राग। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। पंडित रविशंकर डैश के शिष्य थे, तो पंडित रविशंकर जी किसके शिष्य थे? बाबा अलाउद्दीन खां के, उस्ताद अलाउद्दीन खां के, उस्ताद विलायत खां के, या उस्ताद अली अकबर खां के? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है। पंडित रविशंकर जी किसके शिष्य थे? तो अलाउद्दीन खां के शिष्य थे पंडित रविशंकर जी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं, पंडित दुर्गालाल डैश घराने से थे, तो पंडित दुर्गालाल जी किस घराने से संबंधित थे? लखनऊ, बनारस, जयपुर, या फिर दिल्ली? तो आपके पंडित दुर्गालाल जी आपके किस घराने से संबंधित थे, जल्दी से जल्दी आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर रहने वाला है जयपुर घराना। देखिए पंडित दुर्गालाल जी किस घराने से थे? जयपुर घराने से थे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान डैश बजाने में भी माहिर थे, तो बड़े गुलाम अली खान क्या बजाते थे? सरोद, सारंगी, सितार, या रुद्रवीणा? तो आपके उस्ताद बड़े अली खान क्या बजाते थे? तो गाइस आपके उस्ताद बड़े गुलाम अली खान सितार बजाते थे। क्या बजाते थे? सितार। सॉरी यहाँ पर आपको सारंगी देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? सारंगी देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। रागपुरिया में डैश स्वर का महत्व है, तो गाइस जो रागपुरिया है उसमें किस स्वर का महत्व है? गंधार का, तीव्र मध्यम का, निषाद का, या फिर धैवत का? तो रागपुरिया में तीव्र मध्यम का आपका महत्व रहने वाला है, तीव्र मध्यम का। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तान सितार बाजन से गायकी में आई है, जो तान सितार बाज है किस गायकी से आई है? सकल, संकीर्ण, अलंकार, या फिर जमजमा? तो आपकी तान सितार बाज से गायकी में आई है, तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है जमजमा। क्या है? जमजमा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अनुप्राग, गाइस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अनुप्राग विलास इन्होंने लिखी है, तो अनुप्राग विलास किन के द्वारा लिखी गई है? प्रोफेसर बी आर देवधर, पंडित कुमार गंधर्व, डी वी पलुस्कर, विष्णु नारायण भातखंडे जी? तो आपका रहने वाला है जो अनुप्राग विलास है यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो गाइस कुमार गंधर्व जी के द्वारा लिखी गई है, पंडित कुमार गंधर्व जी के द्वारा आपकी अनुप्राग विलास लिखी गई है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। पश्चिमी स्वरलिपि का डैश हिंदुस्तानी संगीत के दो मात्रा के बराबर होता है। गाइस जो आपका पश्चिमी स्वरलिपि का हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के दो मात्रा के बराबर क्या होता है? रुचेट, ब्रीव, मिनिम, या फिर सेमी क्वेर? तो आपका गाइस जो ब्रीव होता है, ब्रीव, उसके बाद सेमी ब्रीव, उसके बाद आपका मिनिम, उसके बाद आता है आपका क्रोचेट, इसके बाद आपका क्रेयर, इसके बाद आपका सेमी क्रेयर, डेमी सेमी क्रेयर, और आपका हेमी सेमी क्रेयर। तो इस प्रकार से आपका रहने वाला है। अब इसमें आपको देखना है पश्चिमी स्वरलिपि का हिंदुस्तानी संगीत के दो मात्रा के बराबर आपका क्या रहता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए आपका जो हिंदुस्तानी संगीत है, हिंदुस्तानी संगीत आपका आठवीं मात्रा शुरू होता है, इसमें हम दो दो का भाग देते जाएंगे, तो यहाँ पर चार आएगा, इसका दो आएगा। तो इसमें हिंदुस्तानी संगीत की दो मात्रा के बराबर कौन सा रहता है? आपका मिनिम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सरज और कोमल ऋषभ के बीच का अंतराल है, सरज और कोमल ऋषभ के बीच का अंतराल क्या रहने वाला? लघु सुरंतराल, गुरु सुर गुरु सुरंतराल, अर्ध सुरंतराल, या फिर गुरु सुरंतराल, गुरु छड़ांतराल? अब ये कि यहाँ पर देखना है सरज और कोमल ऋषभ, और कोमल ऋषभ के बीच में आपका क्या अंतर रहने वाला है, तो आपको यहाँ पर बताना है। देखिए आपका अर्ध स्वरंतराल आपका यहाँ पर रहने वाला है, अर्ध स्वरंतराल। आगे बात करते हैं, सदारंग यह इनका उपनाम है, सदारंग किन का उपनाम है? फिरोज खान, नियामत खान, मोहम्मद हुसैन असर की, या फिर फैयाज खान? तो गाइस जो अदारंग सदारंग अदारंग जी थे आपका, सदारंग कौन थे? नियामत खान। अदारंग कौन थे? फिरोज खान। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर रहने वाला है नियामत खान। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। वह संगीत शास्त्री थे जिन्होंने रागों को ग्राम और भाषा रागों में बांटा था, वह संगीत शास्त्री थे जिन्होंने रागों को ग्राम और भाषा रागों में बांटा था? नारद, भरत, अव्वल, या फिर मतंग? तो गाइस आपका जो राग थे उनको ग्राम और भाषा रागों में किसके द्वारा बांटा गया था, ये आपको बताना है। तो मतंग जी के द्वारा आपको यहाँ पर बांटा गया था।
आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। एक श्रेष्ठ पश्चिमी संगीत शास्त्री जिन्होंने बहरा होते हुए भी सिम्फनी की रचना की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इस प्रकार से किरदार, इस प्रकार के किरदारों से आपको मोटिवेशन आना चाहिए। देखिए बहरा, बहरा होते हुए भी उन्होंने सिम्फनी की रचना की थी, तो ये कौन थे आपके? बिथोवन थे। कौन थे आपके? बिथोवन थे। बिल्कुल बहरे थे, बिल्कुल भी सुनते नहीं थे, फिर भी इन्होंने संगीत के लिए कितना बड़ा योगदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मतंग और अभिनव गुप्त की परंपरा इन्होंने आगे बढ़ाई थी। तो मतंग और अभिनव गुप्त की परंपरा किसके द्वारा आगे बढ़ाई गई थी? भरत के द्वारा, ब्रह्म के द्वारा, ब्रह्म मत के द्वारा, हनुमान मत या फिर कलिनाथ मत? तो गाइस आपको बताना है इसका जो राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो देखिए भरत मत। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अमीर खुसरो ने डैश से भारतीय संगीत सीखा। तो अमीर खुसरो ने किससे भारतीय संगीत सीखा था? तुलसीदास थे, गोपाल नायक, मियां तानसेन, त्यागराज। तो आपको बताना है अमीर खुसरो ने किससे भारतीय संगीत सीखा था? तो कैसे आपके जो गोपाल नायक थे उनसे भारतीय संगीत सीखा था, क्योंकि गोपाल नायक बहुत ही बड़े विद्वान थे, इनको इन्होंने जो संगीत की प्रतियोगिता होती है उसमें हरा दिया था गोपाल नायक को। उसके बाद यह गोपाल नायक को अपने साथ दिल्ली ले गए थे, दिल्ली से में इन्होंने इनसे संगीत की जानकारी ली थी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तबला में कुल अक्षरों की संख्या है, तो तबला में कुल कितने अक्षर रहने वाले हैं? 2, 20, 10 या फिर 16? तो कैसे आपको बताना है तबला में कुल कितने अक्षर रहने वाले हैं? तो तबला में कुल आपके 10 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 10। ट्रिपल क्लेफ में डैश को अंतिम चरण में रखा जाता है, ता मा गा पा। तो ट्रेवल क्लेफ में किसको अंतिम चरण में रखा जाता है आपको बताना है। तो कैसे आपका जो ट्रेवल क्लेफ होता है उसमें गा को अंतिम। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, प्राचीन ध्रुपद गायकों को यह भी कहा जाता है। तो प्राचीन ध्रुपद गायकों को क्या कहा जाता है? कलावत कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइस प्राचीन ध्रुपद थे उनको कलावत कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्राचीन पुस्तकों में डैश प्रकार के गमक बताए गए हैं। तो प्राचीन पुस्तकों में किस प्रकार के गमक, कितने प्रकार के गमक आपके बताए हुए हैं ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ से आपको जो आपका पंचदश गमक है सारंग देव जी द्वारा बताया गया है। किसके द्वारा? सारंग देव जी के द्वारा। जो 10 विधि गमक है आपका ये दक्षिणी संगीत में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? दक्षिणी संगीत में। तो देखिए यहाँ पर आपको प्राचीन पुस्तकों में, तो प्राचीन पुस्तक आपकी संगीत रत्नाकर भी था, जो कि आपका संगीत रत्नाकर था, उसमें आपका 15 गमकों की जानकारी मिलती है। और प्राचीन आपके दक्षिणी संगीत में भी प्राचीन थे, उसमें 10 गमकों की जानकारी मिलती है। तो आपका यहाँ पर देख लेना है किस प्रकार से आपका यहाँ रहने वाला है, तो मैंने आपको दोनों ही बता दिया है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कर्नाटक ताल पद्धति में डैश 8 मात्राओं के जितना होता है। तो देखिए कर्नाटक ताल पद्धति में 8 मात्राओं के बराबर क्या होता है? लघु, गुरु, काकपद या फिर प्लुत? तो आपको बताना है 8 मात्राओं के बराबर इसमें क्या रहने वाला है। देखिए जो आपकी गुरु की मात्रा है ये आपकी 8 मात्राओं के बराबर होती है, प्लुत आपकी 16 के बराबर होती है, सॉरी काकपद आपकी 16 के बराबर, और लघु आपकी 4 मात्रा और प्लुत आपकी 12 मात्रा। तो इस प्रकार से आपकी मात्रा रहती है, अनुद्रुत और द्रुत भी रहता है, जो कि आपको देख लेना है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यह समूह से प्रसारित कर सकते हैं, डैश समूह से प्रसारित कर सकते हैं कीर्तन को, भजन को, जति स्वर को या प्रबंध को? तो गाइस आपका समूह में प्रसारित किसे कर सकते हैं? तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो भजन है भजन को समूह में ही गाया जाता है, और समूह में इसको प्रसारित कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो गाइस मैं आपको अगेन बोलना चाहूंगा कि जो विद्यार्थी अभी भी नए जुड़े हैं वह वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अपने जितने भी आपके ग्रुप में टेलीग्राम, व्हाट्सएप, उन पर शेयर जरूर कर दें, जिससे आगे आपको ऐसी ही जानकारी में और लाता रहूं। गाइस आप जितना अधिक शेयर करेंगे उतना ही मोटिवेशन मिलेगा और उतना ही हमारे अंदर ऊर्जा आएगी आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाने की। तो गाइस आगे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। मंद्र पंचम में त्रिगुणी फ्रिक्वेंसी वाले तानपुरे मंद्र पंचम से मिला गया स्वयंभू स्वर होता है। तो गाइस जो मंद्र पंचम से तुगुनी फ्रिक्वेंसी वाले तानपुरी मंद्र पंचम से मिला गया स्वयंभू स्वर होता है,
तारे, मद्रे, मध्यपा और तारपा। तो आपका जो मंद्र पंचम से त्रिगुणी फ्रंसी पर आपका कौन सा रहता है आपको बताना है। तो देखिए आपका जो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपका जो मंद्रपा है ये आपकी दोगुनी पर रहता है। कितनी पर रहता है? दोगुनी पर। तो आप आपको यहाँ पर देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं आपकी यहाँ पर दिया होगा आपको दोगुना। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ध्रुपद गायकी में उपयोग होने वाले 10 मात्रा ताल है। ध्रुपद गायकी में उपयुक्त होने वाली 10 मात्रा ताल कौन सी रहने वाली है आपकी? देखिए आपको यहाँ पर देखना है जपताल, चौताल, शूलताल या फिर धमारताल। धमारताल आपकी 14 मात्रा की होती है, चौताल आपकी 12 मात्रा की होती है, जपताल आपकी 15 मात्रा की होती है, शूलताल आपकी 10 मात्रा की ताल है। तो यहाँ पर ध्रुपद गायकी में 10 मात्रा की ताल कौन सी प्रयोग की जाती है? शूलताल। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यह समूह से प्रसारित कर सकते हैं, डैश समूह से प्रसारित कर सकते हैं तीव्र मंद कुमुदिनी तारा। तो गाइस आपका यह समूह से प्रसारित कर सकते हैं, क्या प्रसारित कर सकते हैं? आपका यहाँ पर रहने वाला है राइट आंसर तारा। क्या रहने वाला है? तारा। आगे नेक्स्ट आपका हिंदुस्तानी संगीत के शुद्ध निषाद को कर्नाटक संगीत में कहते हैं। हिंदुस्तानी संगीत के शुद्ध निषाद को कर्नाटक संगीत में क्या बोला जाता है? तीव्र निषाद, केशक निषाद, काकली निषाद या फिर कोमल निषाद। तो वैसे आपको बताना है क्या बोला जाता है? काकली निषाद। ठीक है गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बात करते हैं कर्नाटक संगीत में राग अहीर भैरव को कहते हैं। कर्नाटक संगीत में राग अहीर भैरव को क्या कहते हैं? खरार प्रिया, चक्रवाता, आनंद भैरवी या फिर सिंधु भैरवी। आपका जो अहीर भैरव है इसको क्या बोला जाता है? तो गाइस इसको बोला जाता है आपका चक्रवात। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। शुद्ध मध्यम की फ्रीक्वेंसी सड़े से डैश गुनी अधिक होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शुद्ध मध्यम की फ्रीक्वेंसी। देखिए फ्रीक्वेंसी से आप आंदोलन भी कह सकते हैं क्योंकि आंदोलन ही आपका फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। तो सड़े से कितनी गुना होता है आपका मध्यम की? तो देखिए मध्यम आपको देख लेना है, क्या देखना है? सबसे पहले सा, उसके बाद देखना है आपका म। सा की आपकी 240, म की कितनी रहने वाली है? सा रे ग म, 240, 270, 300, 320। तो 320 यहाँ पर रहने वाली है। आप इसे काटते हैं तो आपकी रहेगी 8 2 38 24, 8 6 32। तो कितनी रहेगी? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 4/3। कितनी रहेगी? 4/3 गुना आपकी यहाँ पर रहने वाली है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। उस्ताद अलाउद्दीन खां का जन्म हुआ था। उस्ताद अलाउद्दीन खां का जन्म कहाँ पर हुआ था? शिवपुरी, जयपुर, मणिपुर या फिर रामपुर। तो आपका जो उस्ताद अलाउद्दीन खां थे इनका जन्म हुआ था आपका जयपुर में। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। उस्ताद इमदाद खां डैश कलाकार हैं। तो उस्ताद इमदाद खां आपके डैश कलाकार रहने वाले हैं। तो कौन से कलाकार रहने वाले हैं आपके? सरोद के, सारंगी, सितार के या फिर सुरबहार के। तो जो उस्ताद इमदाद खान हैं आपके ये आपकी रहने वाली हैं सितार वादक। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमीर और कामोद में डैश उभय, हमीर और केदार में डैश उभय होना है। तो गैस क्या आपका रहने वाला है? हमीर और कामोद में गा मा पा धा, गा सॉरी मा पा धा सा, मा पा धा पा, मा रे पा पा, गा मा नी धा। तो आपको बताना है हमीर और कामोद में आपका क्या रहने वाला है। तो गैस जो आपका ऑप्शन नंबर बी है मा पा धा पा, ये आपका हमीर और कामोद के लिए सबसे उभय आपका स्वर संगति रहने वाली है। राग पूरी अधनाशिनी में डैश स्वर का केवल आलंगन बहुत होता है। तो गाइस आलंगन बहुत आपका राग पूरी अधनाशिनी में रहता है, कौन से स्वर का रहता है? तो आपको बताना है सा गा मा पा। तो गाइस आपको यहाँ पर देख लेना है आपका जो मध्यम है राग पूरिया में इसका आलंगन बहुत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालगुंजी राग डैश ताल मेल से संबंधित है। मालगुंजी राग डैश ताल मेल से संबंधित है, कल्याण, बिलावल, खमज, काफी। तो
आपका जो मालकुंजी राग है यह किससे रहने वाला है आपका, तो काफी से रहने वाला है, कौन से रहने वाला है आपका, काफी। आगे बात करते हैं, डैश को समूह में प्रसारित कर सकते हैं, उदात्त, कंपित, अनुदात या फिर स्वरित। देखिए आपका जो डैश को समूह में प्रसारित करते हैं आपका कंपित, जो आपका उदात्त, अनुदात्त और स्वरित है, ये आपके सामगान के 3 स्वर थे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, यह सबसे पहली साम रचना थी, सबसे पहली साम रचना कौन थी, पूर्वार्चिक, आलप्तिगण, मुद्रण, निबद्धगण। तो आपको बताना है साम, सबसे पहली साम रचना थी तो कौन सी रहने वाली है आपकी। हाँ तो देखिए जो पूर्वार्चिक है आपका सामगान का, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक 2 भाग थे, तो पूर्वार्चिक आपकी पहली रचना थी आपकी सामगान की। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, डैश को समूह से प्रसारित कर सकते हैं, तानसेन, तुलसी दास, ब्रजचंद और श्रीचंद। तो गैस यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ मुझे लग रहा है क्वेश्चन में, तो आगे क्वेश्चन के बारे में अपन डिस्कस करेंगे इस पर, इसे स्किप करते हैं अभी के लिए। डैश कुमार गंधर्व ने, पंडित कुमार गंधर्व ने डैश के भजन लोकप्रिय किए, कुमार गंधर्व ने डेड डेड डैश के भजन लोकप्रिय किए, मराठी, मीरा, निर्गुणी, सूरदास। तो पंडित कुमार गंधर्व ने डैश के भजन लोकप्रिय किए थे, मराठी, मीरा, निर्गुणी या फिर सूरदास जी ने। तो आपको बताना है इसका क्या राइट आंसर रहने वाला है, तो निर्गुणी, कुमार गंधर्व जी के द्वारा निर्गुणी भजन लोकप्रिय किए गए थे। बाबा अलाउद्दीन खान ने डैश राग का आविष्कार किया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाबा अलाउद्दीन खान ने कौन से राग का आविष्कार किया था, तो आपका परमेश्वरी, रागेश्वरी, हेम विभाग, तिलकश्याम। तो अलाउद्दीन खान ने आपका किस राग का आविष्कार किया था, तो आपको बताना है राग बिहाग, किसका किया था, राग बिहार का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, डेड डेड डैश को समूह से प्रसारित कर सकते हैं, डैश डेड डैश को समूह से प्रसारित कर सकते हैं, हास, शोक, क्रोध, रुद्र को। तो गाइस यहाँ पर मेरी समझ में एक चीज नहीं आ रही है, जो हमारे टाइपिस्ट हैं इन्होंने इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में इतने अधिक पूछे गए हैं कि या फिर उनसे शायद टाइपिस्ट से मिसप्रिंट हो गया है। इस पर मैं आपको चर्चा जरूर करूंगा थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद। तो देखिए हाल फिलहाल के लिए हम देख लेते हैं, इसमें आपका रुद्र यहाँ पर दिया हुआ है तो रुद्र के बारे में देख लेते हैं, लेकिन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, प्राचीन रसों की संलग्न संकल्पना के अनुसार गंधार और निषाद स्वरों से डैश रस बनता है, प्राचीन रसों की संकल्पना के अनुसार गंधार और निषाद स्वरों से डैश रस बनता है, अरुण, वीर और श्रृंगार, भक्ति और अद्भुत। तो गैस कौन सा आपका निषाद और गंधार स्वरों से मिलकर के बनता है आपका, आपको यहाँ पर बताना है करुण रस, कौन सा रस बनता है आपका, करुण रस। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, हिंदुस्तानी ताल की खाली को ऐसा भी कहते हैं, हिंदुस्तानी संगीत की खाली को क्या बोला जाता है, ताली, सन्निपात, विक्षेप, विसर्जितम। आपका खाली को और क्या बोला जाता है और किस नाम से जाना जाता है, गैस विक्षेप के नाम से जाना जाता है आपका खाली को। आगे बात करते हैं द्रौपदी गायिका डैश यह एकमात्र घटक है, तो गैस द्रौपदी गायकी के लिए आपका जो घटक रहने वाला है, देखिए द्रौपदी गायकी में आपका लयकारी का प्रयोग किया जाता है, तो आपका जो लयकारी द्रौपदी गायकी में प्रयोग में लाई जाती है, द्रौपदी गायकी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तानसेन जी के द्वारा, तानसेन सॉरी मानसिंह, राजा मानसिंह के द्वारा द्रौपदी गायकी का आविष्कार किया गया था। इनकी बुक थी मान कुतूहल, इनका फारसी अनुवाद, मान कुतूहल जो बुक थी इसका फारसी अनुवाद फकीरुल्लाह ने किया था, फारसी अनुवाद किसने किया था, फकीरुल्लाह ने किया था फारसी अनुवाद, राग दर्पण के नाम से, किस नाम से किया था, राग दर्पण के नाम से। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट इसके फैक्ट थे। द्रौपदी को आपका किस ताल में गाया जाता है, तो आपका चार ताल, सूल ताल, ये द्रौपदी गायकी के लिए महत्वपूर्ण ताल आपकी रहने वाली है,
आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। पंडित रामाश्रय झा ने लिखा है, तो पंडित रामाश्रय झा ने डैश लिखा है, अभिनव गीत मंजरी, अभिनव भावपंदिश, अभिनव गीतांजलि, अभिनव गीतमाल। तो रामाश्रय झा के द्वारा आपकी जो बुक लिखी गई है अभिनव गीतांजलि, अभिनव गीतांजलि नाम की जो पुस्तक लिखी गई है किसके द्वारा लिखी गई है, पंडित रामाश्रय झा के द्वारा। तो गाइस ये थे हमारे DSSSP 2014 के 100 क्वेश्चन। आपको बताना है आपका कितना स्कोर रहा, और गाइस आपका कौन कौन से क्वेश्चन आपसे गलत हुए हैं, जो आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन हमसे गलत नहीं होने थे, और आपको ये भी बताना है कि आपको सेशन कैसा लगा। आशा करता हूँ आपको अच्छा ही लगा होगा।